हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आपके लिए एक नई बुक समरी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों की जो डिप्रेशंस की प्रॉब्लम है या निगेटिविटी की प्रॉब्लम है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे उनसे दूर रह सकते हैं एक गुड थॉट के साथ। आज हमारे साथ हमारे पास एक नई बुक है, फीलिंग गुड द न्यू मूड थेरेपी, जो लिखी है डेविड वंस के द्वारा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, दैट आई एम नॉट गुड एनफ? क्या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप कोई इच्छा, कोई चाहत ही नहीं बची? क्या आपके मन में भी ऐसे थॉट्स या सिलसिला लगा रहता है जो मन को निराशा से भर देता है? जब ये निगेटिव थॉट्स लंबे समय तक हमारे मन में चलते रहते हैं, तो हमारे मेंटल स्टेटस को और मन की शांति को डिस्टर्ब कर देते हैं। आपको लगता होगा कि काम को कल पर टालने की आदत तो आम बात है, जो हर इंसान कभी ना कभी करता ही है, लेकिन जब आप गौर करेंगे तब आपको एहसास होगा कि असल में आप डिप्रेस्ड हैं। इस बुक के माध्यम से आप खुद को बेहतर तरीके से समझना सीखेंगे, आप ये समझना सीख जाएंगे कि आप डिप्रेशन से घिरे हैं या नहीं। अगर हाँ, तो वो डिप्रेशन किस हद तक आगे बढ़ चुका है। आप डिप्रेशन को ठीक करने के एक नए मेथड्स, एक नए वे के साथ में कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में जानेंगे। इस थेरेपी के जरिए आप खुद को अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। घबराइए मत, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए आपको घंटों किसी थेरेपी सेशन या कड़वी दवाइयाँ या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यह थेरेपी अपने ही विचारों यानी कि थॉट्स को बदलने के बारे में है। जब आप पॉजिटिव थॉट से अपने मन को भरने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी। अगर आप डिप्रेशन को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप खुद को ठीक करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये ऐसे नॉलेज और टेक्निक्स से भरी हुई है जिसकी आपको तलाश है। यहाँ तक कि इसमें कुछ ऐसे टेस्ट भी दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी इम्प्रूवमेंट खुद मॉनिटर कर सकते हैं। तो समय आ गया है जब आप खुद अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, और वो भी सिर्फ अपने नज़रिए और सोच को बदल कर। ब्रेक थॉट इन द ट्रीटमेंट ऑफ मूड डिसऑर्डर्स। डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है जो आजकल अक्सर हमें सुनने मिल जाता है। ये एक मेंटल कंडीशन है जिसकी चपेट में कई लोग आ चुके हैं। एक बात जिस पर हम ध्यान नहीं देते वो ये है कि हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं, जो आगे चलकर बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। क्योंकि डिप्रेशन अगर वक्त पर संभाला न जाए तो इंसान को आत्महत्या के दरवाजे तक ले जाता है। इसे भूल कर भी नज़रअंदाज न करें। लंबे समय से इसे ट्रीट करने के लिए साइकोथेरेपी और दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में साइकोलॉजिस्ट ने इससे भी ज़्यादा असरदार तरीके के बारे में पता लगाया है, जिसे कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1950 ईस्वी में हुई थी। दूसरे वॉल्यूम के पीछे डॉक्टर एल्बर्ट एलिस और डॉक्टर ओरेंटी वेक हैं। इसके बाद कई सालों तक इस थेरेपी पर और रिसर्च की गई और इसे जोर शोरों से पेशेंट के इलाज के लिए अपनाया जाने लगा। यह थेरेपी बड़ी जल्दी अपना मूड बदलने में मदद करती है। ये एक ज़बरदस्त थेरेपी है जो आपको खुद को और अपने मूड को अच्छे से समझने में और उसे कंट्रोल करने में मदद करती है। इस थेरेपी के असर को स्टडी करने के लिए पेंसिल्वेनिया में साइकोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी और ड्रग थेरेपी के रिजल्ट को कंपेयर करने का फैसला किया।
इसके लिए उन्होंने 40 से ज़्यादा पेशेंट को चुना। ये पेशेंट सीवियर डिप्रेशन से जूझ रहे थे। वो इतने निराश और उदास थे कि उन्हें लगता था जैसे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और उनके लिए अब कुछ नहीं बचा। उनमें से कुछ ने तो कई बार आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा था। इन सबको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को कॉग्निटिव थेरेपी दी गई और दूसरे को ड्रग थेरेपी। 12 हफ्तों तक उन्हें ऑब्जर्व किया गया। उन्हें कई अलग अलग डॉक्टर्स ने चेक किया ताकि वो सही नतीजे पर पहुंच सकें। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने सबको हैरान और चकित कर दिया। इसने साबित कर दिया कि कॉग्निटिव थेरेपी उतना ही असरदार था जितना कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां, और कई केस में तो ये दवाइयों से कई गुना ज़्यादा असरदार साबित हुआ। इतना ही नहीं, इसका असर बड़ी तेजी और जल्दी से सामने आया जो कि दवाइयों के माध्यम से नहीं आ पाया था। लंबे समय से डिप्रेशन का कोई मरीज अगर ड्रग थेरेपी ट्राई करता है तो उसे कई दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कॉग्निटिव थेरेपी से आप इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सामने देख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पेशेंट के माइंड पर फोकस करता है और तो और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके बॉडी का नहीं बल्कि आपके थॉट्स का इलाज करता है, इसलिए इतना इम्पैक्ट है कि मन के साथ साथ इसका बॉडी पर भी असर होता है। इसके नए जो पार्ट्स हैं उसके लिए हम आगे चलते हैं। हाउ टू डायग्नोज योर मूड्स द फास्ट स्टेप इन द क्योर, ये आपका फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट स्टेप है। अगर आप इस सोच में इस स्टेप में क्या है आप देखेंगे, अगर आप इस सोच में डूबे हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं या नहीं, तो इसके लिए एक सिंपल टेस्ट है जिससे आप खुद कर सकते हैं। इस टेस्ट का नाम है BDC, इसे वंस डिप्रेशन चेकलिस्ट कहा जाता है। एक पेपर पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं और जवाब चुनने के लिए मल्टीपल चॉइस आंसर दिए जाते हैं। ये सवाल बड़े ही आसान होते हैं लेकिन सटीक तरीके से आपकी प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं। इसके स्कोर के हिसाब से आप जान सकते हैं कि आप खुश हैं, नॉर्मल हैं या फिर डिप्रेस्ड हैं। ये आपको ये भी बताती है कि आप डिप्रेशन के किस स्टेज पर हैं, यानी माइल्ड डिप्रेशन या मॉडरेट डिप्रेशन, यानी ना ज़्यादा ना कम, या फिर एक्सट्रीम डिप्रेशन। ये टेस्ट आपकी इम्प्रूवमेंट को भी मॉनिटर करने में मदद करता है। आप सोच रहे होंगे कि खुद एक इंसान का अपना डिप्रेशन ठीक करने की कोशिश करना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी मेंटल कंडीशन में इस बात को स्वीकार करना कि आपको मदद की ज़रूरत है और आप इस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट की ओर पहला कदम उठाना होता है। आइए अब इसके स्कोर को समझते हैं। अगर BDC में आपका स्कोर 0 से 5 के बीच आता है तो इसका मतलब है कि आप एक खुशहाल इंसान हैं और आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। 6 से 10 का स्कोर भी नॉर्मल मेंटल स्टेटस दिखाता है, जिसका मतलब है कि हो सकता है कि आप थोड़ा उदास हैं या लो फील करते हैं लेकिन डिप्रेस्ड नहीं है। 11 से 25 के बीच का स्कोर मतलब डिप्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस स्टेज पर ये बहुत माइल्ड होता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बना रहा तो खतरनाक रूप ले सकता है। पहले आप सेल्फ हेल्प बुक्स की मदद से खुद को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रोग्रेस ना दिखे तब आपको डॉक्टर की मदद जरूर लेनी चाहिए। अगर आपका स्कोर 25 से 50 तक है तो आपका डिप्रेशन मॉडरेट है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है, इसलिए इसे हल्के में न लें। इस स्टेज के डिप्रेशन में कई बार हिंसात्मक व्यवहार सामने आया है, जैसे खुद को या दूसरों को चोट पहुँचाना, हद से ज़्यादा गुस्सा करना, चीज़ें तोड़ फोड़ करना। अगर आपकी माइल्ड डिप्रेशन 2 हफ्तों से ज़्यादा बनी रही
तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जब ये स्कोर 50 से ज़्यादा हो तो आप खतरे में हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, या यूँ कह सकते हैं कि डिप्रेशन की लास्ट स्टेज पर हैं और आपको डॉक्टर्स के मदद की सख्त ज़रूरत है। लेकिन घबराइए मत, अक्सर देखा गया है कि ऐसे केसेस में डिप्रेशन बड़ी जल्दी और आसानी से ठीक हो जाता है, बशर्ते आपको सही इलाज मिले। हम नए पार्ट की ओर चलते हैं, या नए स्टेप्स या नए लेसन, या हम नए पार्ट्स की ओर चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर मूड्स, यू फील द वे यू थिंक। कई लोगों का मानना है कि डिप्रेशन एक सीधा संबंध इस बात से है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन इससे कुछ अलग ही है। आपका ब्रेन इन डिप्रेशन की जड़ है। आप जैसा सोचते हैं उसका सीधा असर पड़ता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। जब आप लगातार निगेटिव बातें सोचते रहते हैं तो अचानक डिप्रेशन के अटैक आने लगते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ये सब तो लाइफ का एक हिस्सा है, आज मेरा मूड ही खराब है। लेकिन जब आप थोड़ा रुक कर खुद को समझने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर फसाद की जड़ हमारे थॉट्स ही होते हैं। तो अब हम जान गए हैं कि डिप्रेशन का कारण निगेटिव थिंकिंग है। इस बुक में 10 कॉग्निटिव डिसऑर्डर या थिंकिंग डिसऑर्डर बताए गए हैं। आपको ध्यान से समझना है कि इसमें कौन सा आपकी डिप्रेशन का कारण है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम का कारण जान जाते हैं तो आपका निवारण भी आसानी से मिल जाता है। पहला है बहुत ज़्यादा या बिल्कुल नहीं सोचना। ये तब होता है जब कोई अपनी पर्सनैलिटी या अचीवमेंट को एक्सट्रीम तरीकों से जज करने लगता है। जैसे जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, अगर उन्हें किसी टेस्ट में एक की जगह 20 स्कोर मिल जाए तो वो मान लेते हैं कि वो फेल हो गए हैं। दूसरा है मेंटल फिल्टर। कभी कभी जब एक इंसान डिप्रेस्ड होता है तो वो किसी एक निगेटिव चीज़ को पकड़कर बैठ जाता है। वो बाकी के पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखता। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे अपने एक ऐसा यूनिक चश्मा पहन रखा था जो आपको ज़िंदगी के हर पहलू का सिर्फ निगेटिव हिस्सा ही दिखाता है। कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं, वो एक पॉजिटिव थॉट को भी निगेटिव बना देते हैं। तो ये है तीसरा डिसऑर्डर, डिसक्वालिफाइंग द पॉजिटिव। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बुक के ऑथर डॉक्टर डेविड की एक पेशेंट थी जो काफ़ी डिप्रेस्ड थी। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे पॉजिटिव थॉट से बहुत ही दूर जा चुकी थी। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एना को लगने लगा था कि वो दुनिया की सबसे बुरी इंसान थी। उसे लगता था कि सब उससे नफरत करते हैं और वो ज़िंदगी में हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। उसे विश्वास हो गया था कि कोई उसकी परवाह नहीं करता और किसी को उससे प्यार नहीं है। डॉक्टर डेविड ने उसे समझाने की कोशिश की कि हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट और स्टाफ उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन एना ने उनकी एक नहीं सुनी। वो कहती कि वो सब उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो नहीं जानती कि बाहर की असली दुनिया में वो कैसी है। बाहर की दुनिया में वो एक बहुत बुरी इंसान है और अगर वो इस बारे में जान गई तो वो भी उससे नफरत करने लगेगी। डॉक्टर डेविड ने उसे बार बार समझाया कि हॉस्पिटल के बाहर भी ऐसे कई लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं। उसका परिवार है, दोस्त हैं जो उसकी बहुत परवाह करते हैं और वो सब उसके घर लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ऐना थी कि सुनने को तैयार नहीं थी। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि वो किसी काम की नहीं है और किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके डिप्रेशन ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था जिसके कारण वो सच को देखना ही नहीं चाहती थी। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, स्टार्ट बाय बिल्डिंग सेल्फ
एस्टीम स्टार्ट बाय बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम। क्या आप जानते हैं कि रिसर्च से ये बात सामने आई है कि 80% डिप्रेस्ड लोगों में लो सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान होता है। ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स खुद को बेकार समझने लगते हैं। हो सकता है कि असल में वो बहुत प्यारे और अच्छे हों, लेकिन वो बस मान लेते हैं कि वो सबसे बुरे और सब उन्हें नापसंद करते हैं। ऐसा वो सिर्फ खुद नहीं सोचते बल्कि दूसरों को भी यकीन दिलाते रहते हैं कि वो बिल्कुल बेकार हैं। अब परिवार के कुछ लोग और कुछ दोस्त सच में इन्हें बेकार समझने लगते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये सच में लूज़र हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद सबको अपने बेकार होने का विश्वास दिलाया है। एग्जाम्पल के लिए, जेनिफर एक राइटर है जिसने अभी अभी अपनी बुक कंप्लीट की है। जब उसकी बुक पब्लिश होने वाली थी तो उसे पैनिक अटैक आने लगे। उसे डॉक्टर डेविड की मदद लेने का फैसला किया। उसने डॉक्टर को बताया कि वो पहले भी कई थेरेपिस्ट के पास जा चुकी है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, पास्ट के इस सेशन के दौरान उसे एक बात समझ में आई कि उसके अटैक का कारण था उसकी परफेक्ट बनने की इच्छा। उसे ये भी समझ में आया कि यह क्वालिटी उसे उसकी माँ से मिली थी। जेनिफर की माँ एक परफेक्शनिस्ट थी और उन्होंने जेनिफर की परवरिश भी इसी सोच के साथ की थी। उसने डॉक्टर को बताया कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ को खुश करने में लगा दिया था, लेकिन वो फिर कभी इसमें सफल नहीं हो पाई। सच तो यह है कि जेनिफर कभी समझ नहीं पाई कि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। न ये ज़िंदगी परफेक्ट है और ना ही कोई इंसान। जेनिफर अपनी प्रॉब्लम जानती थी और वो इसका कारण भी जानती थी, लेकिन इसका सही इलाज नहीं जानती थी। किसी भी थेरेपिस्ट के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। वो अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस चाहती थी। डॉक्टर डेविड ने आखिर उसे एक प्रैक्टिकल प्लान दिया। उसने कहा कि अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए उसे अपनी सोच और जैसा वो महसूस करती है वो बदलना होगा। इसके लिए पहला टिप है कि वो अपने बारे में जितनी भी निगेटिव बातें करती है उसे एक पेपर पर लिखना शुरू करे और उन्हें पॉजिटिव एनर्जी में बदले। इस टेक्निक के जरिए उसे अपनी कमियों और कमजोरियों को ठीक से समझने में मदद मिलेगी। समय के साथ वो हकीकत और डिसऑर्डर की वजह से पैदा होने वाले भ्रम के फर्क को समझने लगी। एक और मेथड था जिसका नाम था काउंटर। इसमें जेनिफर को जब भी कोई निगेटिव ख्याल आए तो उस डिवाइस का बटन दबाना था। डॉक्टर डेविड ने उसे समझाया कि पहले कुछ हफ्तों के दौरान निगेटिव विचारों की गिनती बहुत ज़्यादा होगी, उसके बाद वो स्टेबल होने लगेगी और बाद में जाकर उसकी गिनती में कमी आएगी। तो आप क्या समझे, ये सब हमारे सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। एक बार जब हम अपने थॉट्स बदलने लगते हैं तो हमारी फीलिंग्स भी खुद ब खुद बदलने लगती है। जब हमारी फीलिंग्स बदलने लगेगी तब हमारे एक्शन भी बदलने लगते हैं। और अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो डिप्रेशन का यही इलाज है, अपने थॉट्स को बदलना। हम नेक्स्ट जो स्टेप में चलते हैं, डू नथिंगिज्म, हाउ टू बीट इट। अभी हमने ये जाना कि हमारे थॉट्स का हमारे मन और डिप्रेशन पर क्या असर होता है। अगर हम अपने थॉट्स को ठीक कर लें तो सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है, लेकिन कभी कभार हमारे थॉट्स नहीं बल्कि हमारी विल पावर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग जो डिप्रेस होते हैं उनका अपने बेड से उठने का भी मन नहीं करता। विल पावर और मोटिवेशन की ये कमी न जाने और कितने नुकसान करना शुरू कर देती है। पहली बार कुछ नहीं करने से, दिन भर यूं ही पड़े रहने से आप चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। उसके बाद आपके मन में उदासी भरने लगती है। जब आप कई दिनों तक लगातार कुछ नहीं करते तो आप अपनी
कदर करना बंद करने लगते हैं। आप खुद को एक हारा हुआ इंसान मान लेते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी यही विश्वास दिलाते हैं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। नैन्सी एक ऐसी पेशेंट थी जिसने कुछ ना करने की इच्छा होती थी। वो एक बुटीक चलाती थी और पूरे हफ्ते काम में बहुत बिजी रहती थी। उसे प्रॉब्लम होती थी वीकेंड के दौरान। फ्राइडे रात को एक बार जब वो सोने जाती तो मंडे काम पर जाने तक अपने बेड से हिलती भी नहीं थी। नैन्सी ने डॉक्टर डेविड की सलाह पर अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसमें कुछ भी करने की कोई इच्छा कोई उमंग ही नहीं बची थी, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली रहती थी, इसलिए उसका वीकेंड में कुछ भी करने का दिल नहीं करता था। वो डॉक्टर डेविड द्वारा दिए गए चार्ट में अपने थॉट्स रिकॉर्ड करती रही। अब उसे अपनी प्रॉब्लम धीरे धीरे दिखाई देने लगी और कुछ बदलाव के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगा। पहले कुछ हफ्तों में वो अपने बेड से उतर कर ब्रेकफास्ट करने लगी, फ्रेश होने लगी। उसने डॉक्टर को बताया कि ऐसा करने से उसे लग रहा था कि वो कुछ प्रोडक्टिव कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने कोशिश की और अपने दोस्तों से मिलने और बाहर जाने की शुरुआत भी करने लगी। वो जैसे जैसे कॉग्निटिव थेरेपी कटिंग कर रही थी, डिप्रेशन उसे दूर होता जा रहा था। कई बार काम को कल पर टालने की आदत हमें बड़ी आम लगती है और हम सोच लेते हैं कि शायद ये आलस ही वजह से है या काम करने का हमारा मूड नहीं है, लेकिन सच्चाई ये भी तो हो सकती है कि आप डिप्रेस्ड हों और आपकी इसकी भनक भी न हो। एक बार जब आप अपने थॉट्स पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। फिर आप किसी काम को टालने नहीं बल्कि उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम नेक्स्ट स्टेप्स में चलते हैं। बैरवल जुड़ो, लर्न टू टॉक बैक व्हेन यू आर अंडर द फायर ऑफ क्रिटिसिज्म। तो हमने खुद से बात करना यानी सेल्फ टॉक से मन पर होने वाले असर के बारे में जाना। अगर आप हमेशा खुद के लिए निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप उदास और अपसेट फील करेंगे। अगर आप खुद में कमियां या बुराइयां निकालकर खुद को नीचा दिखाते रहेंगे तो आप सच में डिप्रेस्ड हो जाएंगे। कई बार दूसरे जो हमारे लिए कहते हैं उसे प्रभावित होकर भी हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो आपको इस तरह की बातों से डील करने के लिए कुछ टेक्निक्स सीखने होंगे। पहला, आपको बिना अपनी फीलिंग्स को इन्वॉल्व किए क्रिटिसिज्म को देखना सीखना होगा। आपको याद रखना होगा कि वो चुभने वाले शब्द सिर्फ उस इंसान के अपने विचार हैं और वो इंसान सही भी हो सकता है और गलत भी। अगर वो सही है तो आप उसकी एडवाइस मानकर खुद को अच्छे के लिए बदल सकते हैं। अगर वो गलत है तो उन बातों को बिल्कुल अनसुना करके खुद में अपना विश्वास बनाए रखें। इस कहानी से आप ये सीख लेते हैं कि आर्थर नाम का एक साइकेट्रिस्ट था। एक बार एक पेशेंट ने सुपरवाइजर से उसकी शिकायत कर दी। उसने कहा कि आर्थर बहुत सख्त किस्म का आदमी था। आर्थर को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वो खुद को क्रिटिसाइज करने लगा और डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगा। उसे लगने लगा जैसे उसका करियर ही खत्म होने वाला है और अब कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। अब अगर आप इस बात पर जरा सोचे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आर्थर की डिप्रेशन का कारण वो पेशेंट नहीं था बल्कि खुद आर्थर के विचार थे। जैसे ही किसी ने उसे क्रिटिसाइज किया तो वो डर गया। वो खुद को दोष देने लगा और सोचने लगा कि अब उसकी जॉब चली जाएगी। लेकिन आर्थर ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो पेशेंट गलत भी हो सकता था। उसे आर्थर सख्त लगा, लेकिन शायद दूसरों को ऐसा नहीं लगता हो। इस एक निगेटिव कमेंट्स को वो इग्नोर भी कर सकता था
और मान लीजिए कि अगर वो पेशेंट सही भी था तो अर्थर उसे ध्यान में रखकर खुद को इम्प्रूव भी कर सकता था। न तो सब कुछ हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है। अगर आपका नज़रिया सही होगा तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टेप के पास हम चलते हैं, फीलिंग एंग्री या व्हाट्स योर आईक्यू। चलिए अब आईक्यू की बात करते हैं। अब ये आईक्यू क्या बला है? आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंसी क्वेटिंस, जिससे ये पता लगाया जाता है कि एक इंसान में कितनी बुद्धि है। लेकिन डॉक्टर डेविड जिस आईक्यू की बात कर रहे हैं वो इंटेरिटेशंस क्वेटिंस क्वेटिंट। क्या आपको छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होती है? क्या आप आसानी से इरिटेट हो जाते हैं? या आप में किसी भी डिस्टर्बिंग सिचुएशन को हैंडल करने की अच्छी खासी टॉलरेंस पावर है? जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, या तो आप उसे अपने अंदर ही दबा कर रख सकते हैं या उसे बाहर निकाल कर तमाशा कर सकते हैं। जब आप अपने गुस्से को अंदर दबाने का फैसला करते हैं तो एक दिन ये बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन में बदल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप चिल्लाकर अपना गुस्सा जाहिर करेंगे तो आप दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। देखा जाए तो दूसरों पर गुस्सा ना निकालना ही सबसे अच्छा होता है। और इसके लिए आपको अपने आईक्यू यानी इरिटेशंस क्वेटेंट का इस्तेमाल करना होगा। एक बात हमेशा याद रखें कि सिर्फ सिचुएशन आपको गुस्सा नहीं दिलाती, बल्कि आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं, आप में उसे समझने की कितनी समझ है, ये उस वजह से भी होता है। ये सब दिमाग का खेल है। जब आप किसी सिचुएशन को शांति से समझने की कोशिश करेंगे तभी उसका हल निकलेगा। अब पीटर को ही ले लीजिए। वो एक पिता है जो काम से थक हार कर घर पहुंचा है। उसका दिन बहुत स्ट्रेसफुल था और अब वो सिर्फ रेस्ट करना चाहता था। इसलिए अपने बच्चों को सुलाकर वो टीवी देखने बैठ जाता है। अब जब पीटर थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, तब अचानक उसका बच्चा नींद से जाग गया। फिर वो धीरे धीरे गिरते लड़खड़ाते पीटर तक पहुंचा। अब पीटर एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है ये सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। या तो वो उस छोटे बच्चे पर गुस्सा कर सकता है, या वो ये सोच कर डिप्रेस हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी इतनी बेकार है कि उसके पास रिलैक्स करने तक की फुर्सत नहीं, या फिर वो ये सोच कर शांत और खुश हो सकता है कि उस नन्हे से बच्चे ने उस तक पहुंचने के लिए अपना पहला कदम उठाया। वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने बच्चे को गोद में उठा सकता है। इसमें से वो क्या चुनता है ये सिर्फ और सिर्फ पीटर की चॉइस है। अगर आप इसके बारे में ज़रा सोचें तो आपको एहसास होगा कि ज़्यादातर पेशेंट्स इन अनमोल पलों को यूं ही गवा देते हैं, क्योंकि वो खुद पर गुस्सा को हावी होने देते हैं। हमें थोड़ा शांत होकर समझदारी से चीज़ों को देखना सीखना और दुनिया को देखने का अपना नज़रिया बदलना होगा। हम नेक्स्ट स्टेप के साथ के पास चलते हैं, बेस ऑफ डिफीटिंग गिल्ट। डिप्रेशन का एक और कारण जो है गिल्ट। कुछ लोग हर वक्त ही गिल्टी फील करते रहते हैं। वो अपने आसपास होने वाली हर चीज़ के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं। जब उनसे कुछ गलत हो जाता तो वो ये मान लेते कि वो बुरे लोग हैं। इस गिल्ट की भावना का एक पेशेंट के मेंटल स्टेटस पर अलग अलग प्रभाव होता है। इसका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो गिल्ट की भावना कितनी देर से है और कितना गहरा है। जेनिस की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जेनिस एक टीचर थी जिसे सीवियर डिप्रेशन था। ऐसी दो यादें थी जिसने उसके मेंटल स्टेटस को डिस्टर्ब कर दिया था। उसे बार बार याद आता था कि
कैसे 15 साल की उम्र में उसने 2 बार दुकान से सामान उठा लिया था जिसके पैसे उसने नहीं चुकाए थे। वो खुद को चोर मानने लगी थी। हालांकि जेनिस दिल से एक ईमानदार इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इन दो घटनाओं की बुरी यादें उसे एक हेल्थी और खुशहाल जीवन से रोके हुए थी। जेनिस हर वक्त यही सोचती कि वो एक चोर और एक बुरी लड़की है। उसका गिल्ट इतना गहरा था कि लंबे समय तक वो उसके चेहन से निकल नहीं पाया था। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि हर रात जेनिस भगवान से प्रार्थना करती कि वो उसकी जान ले ले। वो दोबारा उठकर दुनिया का सामना नहीं करना चाहती थी। उसका गिल्ट इतने लंबे समय से था और इतना गहरा हो गया था कि इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। एक दिन जब जेनिस और बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने अपने पति की पिस्टल ली और खुद को गोली मार दी। खुशकिस्मती से पिस्टल ठीक से लोड नहीं हुई थी, इसलिए उसका निशाना चूक गया। लेकिन उसके बाद तो जेनिस और भी मायूस हो गई। उसे लगा कि वो इतनी बेकार है कि वो ठीक से अपनी जान भी नहीं ले पाई। तो देखा आपने कि गिल्ट एक बहुत खतरनाक भावना है जो डिप्रेशन को इस हद तक ट्रिगर कर सकता है कि इंसान अपनी जान लेने से भी नहीं कतराता। अगर जेनिस की तरह आपके मन में भी गिल्ट से भरे थॉट आते हैं तो आप इसे गंभीर डिप्रेशन में बदलने से रोक सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए डॉक्टर डेविड की डिप्रेशन चेकलिस्ट आपके बहुत काम आएगी। हमें समझना होगा कि कोई अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज आप पूरी कोशिश करके अपने आने वाले कल को बेहतर जरूर बना सकते हैं। आज आपके जैसे थॉट्स होने वो आपके आज और कल दोनों पर असर डालेंगे। अपनी बीते हुए कल को पकड़कर न रखें, उसे छोड़ना सीखें ताकि आप अपने आज पर फोकस कर सकें, उसे अच्छा बना सकें। और इसी समरी के साथ में हम कंक्लूजन या निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इस पुस्तक का निष्कर्ष यह होता है कि तो आज हमने डिप्रेशन को गहराई से समझने की कोशिश की। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर एक्सपीरियंस जरूर करता है। कुछ लोग इसे पहचान जाते हैं और कुछ अनजान ही रह जाते हैं। वो अपनी उदासी और निराशा की वजह समझ नहीं पाते, इसलिए खुद की मदद नहीं कर पाते। इस बुक में हमने एक नई ट्रीटमेंट कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में जाना। इसने हमें ये समझाया कि हमारे थॉट्स की क्या अहमियत होती है और इसका हमारे भावनाओं और हमारे व्यवहार पर क्या असर होता है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपको उसके कारण का पता लगाना होगा ताकि आप उसका सही इलाज शुरू कर सकें। चाहे आप में गिल्ट की भावना हो या लो सेल्फ एस्टीम या बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो आप इसे बिल्कुल बदल सकते हैं। सिर्फ अपनी सोच को बदलकर आप सब कुछ बदल सकते हैं। तब शायद आप इस दुनिया के बारे में खुशहाल और हेल्थी शख्स होंगे। आज भी हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन के बारे में खुलकर चर्चा नहीं की जाती। डिप्रेशन शब्द से शर्मिंदा महसूस ना करें, इसका इलाज करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी दूसरी तकलीफ का। एक बार डॉक्टर ने इस बारे में बड़ी गहरी बात कही थी कि जब शरीर के किसी हिस्से की हड्डी टूटती है तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं, लेकिन जब हड्डी नहीं बल्कि मन टूट जाता है तो उसे मन का फ्रैक्चर कहते हैं। यानी डिप्रेशन मन का फ्रैक्चर है जहां इंसान मन से हार जाता है। ये ऐसा फ्रैक्चर है जो किसी को दिखाई नहीं देता और अक्सर वो इंसान अकेले ही टूट जाता है। जिंदगी में हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आप क्या देखना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथों में ही है, इसलिए अपने विचारों को बदलकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके ये कदम आपके लिए एक अच्छी ज़िंदगी का दरवाज़ा खोल सकते हैं। फाइनली, अगर आप इस
समरी के एंड तक पहुंच चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हमारी इस बुक की समरी को बहुत अच्छे से सुना और आप अपने जीवन में आने वाले सभी डिप्रेशंस को दूर कर सकते हैं। आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी निगेटिव थॉट्स को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू, आपने हमें इतना समय दिया। हम आशा करते हैं कि ये बुक समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। थैंक यू।